मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? तो आज आर्यन का इस फंक्शन का रिसेप्शन डे है। तो ये है पूरा डेकोरेशन, रात को भी आपको दिखाऊंगी पर सुबह कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे बैठेगा सारे स्टॉल, जैसे कि फुचका, पकोड़ा, फोटो बाद में खींचेंगे, फुचका, पकोड़ा, कोल्ड ड्रिंक, हाँ, पान अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी हो रही है और सारे लोग जो ब्रेकफास्ट और लंच में खाएंगे वो सब यहाँ पे हो रहा है। अभी भी काम चल रहा है, रात को ये जगह बहुत खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पे और भी कुछ लाइट्स, जो शैंडिलियर लगाया जाएगा वो अभी तक आया नहीं है। और गणपति जी गेट से एंट्री करते ही गणपति जी, और ये है एंट्रेंस बदमाश सुसु करके चला गया। हाँ ब्रेकफास्ट बन चुका है और अभी यहाँ पे लंच की तैयारी चल रही है। सो गाइस अभी है लंच टाइम, तो अभी सब हम सब रेडी हो चुके हैं। तो लंच करने वहाँ पे जाना पड़ेगा पैंडल में, क्योंकि नज़दीक है, फिर भी खाना इधर उधर करना ठीक भी नहीं है, वहाँ पे जाके हम लंच करेंगे। और आज सुबह से मैंने कोई भी इयरिंग नहीं पहना क्योंकि मेरे कान को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। आज जो इयरिंग मैं पहनने वाली हूँ उसका जो बोला था ना कि डार्ट जो है वो बहुत ज्यादा मोटा है, तो बार बार बोरोलिन यहाँ पे लगा के रख रही हूँ ताकि कान का जो होल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और पहनने के टाइम में दर्द ना हो। फिर भी होगा मुझे पता है। तो फर्स्ट डे जब मैं वो इयरिंग लिया था उस टाइम में जो पहन के देखा था ना, तो उसके बाद से वो कान का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। इतने दिन तक बिना इयरिंग के तो नहीं रह सकती, अगर बिना इयरिंग के रहती तो शायद अभी तक ठीक हो जाता, पर कुछ ना कुछ पहन रही हूँ। कल भी मेरा शादी का जो झुमको पाशा बोलते हैं तो वो भी पहनी थी, उसके बाद से ये ठीक ही नहीं हो रहा है और अंदर बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, वो जो फ्लूइड है ना वो जमा होके वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो कान का हालत मेरा बहुत ख़राब है, पर आज पहनना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए दर्द हो या जो भी हो आज पहनेंगे। पर आज पूरे दिन अभी तक मैंने बिना इयरिंग के रही हूँ। और वो है हमारा पैंडल, इधर से वहाँ पे कुकिंग हो रहा है ना, लंच का ब्रेकफास्ट का हुआ था, पूरा कवर कर दिया। और उस साइड में जो मेन पैंडल है वो है उस साइड में। बेटे के मम्मी को दो वो देखो सारे आके यहाँ पे बदमाशी शुरू हो गया कि ये सिंहासन पे कौन बैठेगा, ये जो सीट है यहाँ पे कौन बैठेगा, हम दोनों या दादा भाई या कौन बैठेगा। और ये दो जो मासिया है ये तो पहले से ही इंस्टा के लिए फोटो खींचना शुरू कर दिया। अभी चल रहा है मेकअप, मतलब हुआ नहीं पूरा, सिर्फ आई मेकअप हुआ है ना, सिर्फ आई मेकअप और आईब्रोज धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा। बस इतना ही पहले से लेट हो गया है, तो अभी लोग भी आना शुरू कर दिया है और सारे लोग सच सफर कर लोग एकदम से बन ढन के चले गए हॉल में। तो मैं मेरे लिए वेट कर रहे हैं और बस मैं और इतनी बाकी है। मामीरा चले गया छे ओखने, सब लोग चले गए। तो इतने टाइम बाद एक्चुअली मैं रेडी हो पाई हूँ और यहाँ पे बहुत जोर से गाना बज रहा है, तो मेरा वॉइस का यहाँ पर नहीं पहुँच रहा इतनी अच्छे से। सारे धोती वाले, ये टकला धोती वाले धोती वाले का एक मामा और एक मामा राज अभी तक आया नहीं। राज कोता है, मासी, मेरे मौसा जी सारे एक धोती और कुर्ता में है। मेरे
आप लोग मेघना को देखे थे, ये है मेरा टॉप मामा मेघना का पापा, मेरे बड़े मामा मेघना का मम्मी मतलब सीमा मामी, और मेरा छोटी मामी और मेरा छोटा मामा। सेलिब्रिटी राइस चे रंजना रंजना हाँ तो ये पान का सेक्शन, ये कॉफी का, कोल्ड ड्रिंक, वहाँ पे वेज और नॉन वेज पकौड़ा, और वो है फुचका भी जो हम खाने वाले हैं। देने वाले नहीं हूँ मैं, डिनर करके ही जाऊंगी। মিরুন্দার জীবন জল তাই না मेरा सबसे बचपन का फ्रेंड एकदम क्लास 6 स्टैंडर्ड से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, 6 स्टैंडर्ड से 5th से, पर 5th में हमारा सेक्शन अलग था, उसके बाद 6 में जब हम एक ही सेक्शन में आए ना, उसके बाद से हम दोनों का फ्रेंडशिप है आज तक। पहले तो मैं बैंगलोर में थी और तब वो हैदराबाद में थे, और उसके बाद वो कोलकाता बैक कर लिया और मैंने भी कोलकाता बैक किया, पर बहुत फास्ट, और अभी तो ये कोलकाता है और मैं बैंगलोर, बट कोई बात नहीं, कहीं पर भी रहे लेकिन सब है, तो हाँ, सब कॉन्टैक्ट तो हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी है यहाँ का लास्ट बैच, तो लास्ट बैच में हम सारे फैमिली और फ्रेंड्स बैठे हैं, तो मेरे सारे मतलब स्कूल के फ्रेंड्स, और जब मैं छोटी थी ना मेरे ये सारे फ्रेंड्स को हैंडल मेरी मासी किया करते थे, तो आज भी मेरे मासी हमारे साथ, कोई भी अगर चीज है मासी शो मनी है घर पे, हाँ शो मनी अभी पढ़ाई का टाइम है, जाओ आप करते करते जाके पढ़ाई करो। ये तो आज भी डरता है, आज भी डरती है मेरे मासी से। मेरे जो भी है जितना भी गपशप करना आटा देना सब कुछ करो, पर पढ़ाई के टाइम में समझते हैं मेरे पढ़ाई, पढ़ाई के टाइम में कोई भी आटा नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे मासी। तो पूरा काम हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा टेंशन था मेरे मन में जब यहाँ पे आई थी कि सब कुछ ठीक ठाक से कर पाऊंगी कि नहीं, सारी चीजें मतलब अच्छे से होगा कि नहीं, सब भगवान की कृपा से सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, सारे लोग आए, जितने भी लोगों को हम बुलाए थे ना, एक दो लोग छोड़ के सारे लोग आए थे, इवन बहुत एंजॉय किया, बचपन की सहेलियां अमेजिंग एक टाइम स्पेंड किया सीरियसली। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी, ये पूरा मतलब मेकअप सारे चीज़ें निकालना है और एक नाइटी पहन के आराम से सोना है बस, और कल सुबह फिर देखा जाएगा। तो चलिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।